हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ना उसका सॉल्यूशन करेंगे, राइट। तो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हो रखा है, ठीक है, बच्चों का अच्छा खासा रिस्पांस आया है। सर आपने अच्छे अच्छा पढ़ाया सर, मजा आ गया सर, है ना। तो फिर जो मैंने पढ़ाया ना, बस बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया वो थोड़ा सा हाई लेवल है एज कंपेयर टू एनसीईआरटी, लेकिन तुम्हें पढ़ने में मजा आया होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो क्या है बच्चों, तो जो एनसीईआरटी में है ना, एक तो इंटेक्स्ट में है क्वेश्चन, एक तो इंटेक्स्ट में है और एक है एक्सरसाइज में, राइट। तो दो क्वेश्चन है, मतलब दो लेवल का है क्वेश्चन है, एक है इंटेक्स्ट और एक एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इंटेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इंटेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज वन, इंटेक्स्ट का एक्सरसाइज वन का मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैं लिखता हूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इसके बारे में बोलना है। तो मैंने तुम्हें ये लिखा रखा है नोट में, ये लिखवा रखा है, मैंने ये पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस, मैं ये लिखा रखा तुम्हें, अरे बच्चों, इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, एंड क्या मतलब बच्चों, क्लोज पाथ होता है, ठीक है, ऑफ एन करेंट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट, ये मैं लिखवा रखा हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। और इसमें देखो और क्या लिख सकता हूं मैं, ये फर्स्ट का आंसर, किसका आंसर है फर्स्ट का, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें बहुत सारा डिवाइस होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारा इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हो सकता है। एग्जांपल बोलो क्या होगा, बल्ब हो सकता है, ठीक है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, अरे बहुत सारा कुछ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत सारा हो सकता है, स्विच हो सकता है इसमें, ठीक है क्या, स्विच ETC, है ना, एमीटर वोल्टमीटर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक नंबर को लिखने को आएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये एक सब क्वेश्चन बोर्ड में आगे रखा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट 1 मार्क्स का। तो क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एग्जाम्पल बल्ब, फैन, स्विच, वोल्ट मीटर, अमीटर, इट इज, कोई बात नहीं। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है अरे बच्चों कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, क्या बोला है, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, मुझे बताओ करंट के यूनिट का डिफाइन करके बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि SI यूनिट, इसका आंसर क्या लिखेंगे, SI आंसर लिखेंगे हम, देखो SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट जो होता है करंट का वो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो एम्पियर होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर, AMP से डिनोट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एम्पियर, A से भी डिनोट करते हैं, चलो इसे नोट कर दिया, एम्पियर, राइट। तो SI यूनिट इसका एम्पियर होता है, बोलता है डिफाइन करो यूनिट ऑफ करंट को। तो कैसे डिफाइन करेगा, मतलब ये बोल रहा है कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है डिफाइन करने, 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होगा बच्चों बोलो, तो मुझे पता है करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। 1 एम्पियर कब बनेगा, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा थ्रू द कंडक्टर। तो बोलते हैं डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, मतलब डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट क्या होगा, तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड फ्लोइंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड Across the conductor, conductor के across, तो वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। तो सिंपल से बात है, डिफाइन यूनिट ऑफ बोले ना करें, मतलब बोल रहा है कि 1 एम्पियर का डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, सिंपल से बात है। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या, यस सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, मजा आ गया। तो इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर, सॉरी इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 1 और 2
डन हो गया राइट। ओके सर, बहुत अच्छा सर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोलता है कि फाइंड, देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड, या तो ऐसे बोला है, चलो मैं एनसीईआरटी का भाषा लिखता हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज। बोलता है वन कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, है ना, इन वन कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा प्यारे बच्चों, देखो तो वन कूलम ऑफ चार्ज मुझे पता है Q इक्वल टू एन ई, पता है ना, बता रखा हूं मैंने। ये कौन सा है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कहां से आया, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू एन ई, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है Q इक्वल टू एन ई। बोलता है वन कूलम चार्ज, वन कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मुझे पता है एक ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × −19 होता है ना कूलम, या यस सर। अब देखो क्यू कितना है, तो वन कूलम चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू 1.6 × −19 कूलम, कूलम कूलम कैसे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो 1.6 × −19 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 100 डाल दो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 10/16 10^19 इसे 100/16 कर दो, 10 एक और ले लिया, यहाँ बच गया 18 × 96 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन, सोचो इट्स अ लार्ज वैल्यू, वन कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है यार, इट्स वेरी बिग वैल्यू। एटॉमिक लेवल पे इतना वैल्यू है, एटॉमिक लेवल पे ही हो सकता है, अगर ये एटॉमिक लेवल पे नहीं होगा फिर तो इट्स अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू राइट। तो सिंपल सा बात है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज, कितना आंसर होगा, 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज वन हो गया राइट। अब इंटेक्स्ट एक्सरसाइज टू में आता हूं मैं, ठीक है। तो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज टू, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज टू राइट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है नेम अ डिवाइस, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन to maintain potential difference in a circuit। क्या बोलता है क्वेश्चन, अच्छे समझो। बोलता है एक कोई डिवाइस का नाम बोलो जो किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है सही मायने में, तो बैटरी करता है। अरे बैटरी नहीं होगा तो पोटेंशियल उसमें आएगा क्या, उसमें कोई वोल्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, सिंपल सा बात है। तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा बैटरी सेल और बैटरी, आंसर क्या आएगा तेरे बच्चों, तो सेल, आंसर क्या है, तो सेल और बैटरी, ठीक है क्या, एनी डिवाइस सेल और बैटरी, सेल और बैटरी, सेल और बैटरी ही है दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। सेल और बैटरी में मैं तुम्हें अंतर बता रखा हूं, बैटरी क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल, सेल एक भी हो सकता है लेकिन बैटरी क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल, सिंपल सा बात है। तो वो तो नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट या तो इन अ सर्किट, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा, आंसर होगा सेल और बैटरी। क्या समझ में आया क्या, यस सर। क्या एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन आसान होता है क्या, यस बहुत आसान। मैंने जो लेवल में तुम्हें पढ़ाया है उसके कंपैरिजन में एनसीईआरटी लुल्लु पुल्लु है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो बिल्कुल आसान है। अब ये इंटेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर हो गया, ये वन हो गया। अब टू में क्या है, टू में देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। टू में बोलता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय saying that potential difference, so मैं ऐसे लिखता हूं शॉर्टकट, by saying that potential difference between two point is 1 volt, बोलता है कि what is meant by saying that potential difference बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। बोलता है दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? अब सुनना, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया जाता है कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज, अरे पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस तो यही होता है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज अपॉन चार्ज। अरे यही तो होता है, इन मूविंग चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, इट गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोलता है 1 वोल्ट कब होगा, तो मुझे पता है कि वोल्ट वर्क डन बाय क्यू, तो 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाने में 1 जूल ऑफ वर्क अगर खर्चा होगा तो वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसका मैं मतलब क्या लिखूंगा, इसका मतलब हुआ इट मीन्स 1 वोल्ट मीन्स, ऐसा लिखो 1 वोल्ट मीन्स आंसर, 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क ठीक है, इज डन इन मूविंग। इसे लिखना कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। खुद तो समझाने के लिए मैंने ये दिखाया, इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम क्योंकि 2 पॉइंट बोला है तो फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, आप देखो थ्री क्या बोलता है, क्या बोलता है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू इच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट। बोलता है कि कितना एनर्जी दें, हाउ मच एनर्जी, क्वेश्चन सुनना, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू इच कूलम ऑफ चार्ज, इज गिवन टू इच कूलम ऑफ चार्ज, इच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। बोलता है 6 वोल्ट बैटरी से अगर मुझे पास करवाना है हर एक कूलम चार्ज को, तो कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा, देखो इच कूलम ऑफ चार्ज मतलब Q का वैल्यू 1 कूलम्ब और पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6 वोल्ट, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी कितना करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट बैटरी का चार्ज, 1 × 6 कितना 6 जूल एनर्जी खपत करना पड़ेगा, एनर्जी करना पड़ेगा तभी वो 6 वोल्ट बैटरी से पास होगा कितना 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्या समझ में आया कि प्यारे बच्चों, क्या इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बचा है इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 3 जो मैं बताऊंगा कल बताऊंगा। क्या समझ में आ गया क्या? यस सर, मुझे समझ में आ गया सर। क्या इसमें कोई किसी को अब देखो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो क्या इसका आंसर है, अरे बच्चों देखो कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मुझे पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है,
मुझे पता है कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। तो रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो मुझे पता है कि लेंथ पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्रॉस सेक्शन, ठीक है क्या। ऊपर से नेचर ऑफ मटेरियल रो पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जो मैं तुम्हें बता रखा हूं सही से। बोलो हाँ या ना। यस सर, आपने बता रखा है कि रेसिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर आल्सो, राइट। ओके चलो ठीक है, इसे बातें बात लगे। रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये बात लिख लेना, ठीक है। अगर रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो स्वाभाविक है रेसिस्टेंस भी क्या करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर टू आते हैं टेक्स्ट में, देखो बोलता है विल करेंट फ्लो। क्वेश्चन क्या है सुनना, विल करेंट फ्लो मोर इजली, विल करेंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर, थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर, और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल, ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, When connected to the same source। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था वैसे, देखो सेम सोर्स क्वेश्चन, वाई अगर होगा तो क्यों होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, इसे क्या आंसर होगा। सबसे पहले इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले तुम क्या करो, डायग्राम बनाओ। क्या क्या बनाओ, डायग्राम। डायग्राम अगर आ गया, इसका समझ में आ गया क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये मार्कर नहीं चल रहा है, मैं समर कर ले रहा हूं। चलो देखो देखो तो बोलता है विल करेंट फ्लो मोर इजली। देखो ये सबसे पहले बात रखो, व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, मतलब बैटरी क्या है सेम, ठीक है, और सेम मटेरियल भी है, मतलब रो क्या है सेम। तो जिसे मान लो कॉपर लिया मैंने, कुछ ऐसा लिया, इसमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, मैंने बैटरी लगा लिया, सेम बैटरी है, 2 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, ठीक है। कॉपर लिया, कैसा लिया, कॉपर। तो कॉपर का ही, मतलब सेम मटेरियल कॉपर का ही, थोड़ा सा थिक ले लिया, थोड़ा सा क्या लिया करे बच्चों, थिक ले लिया, थोड़ा ठीक, कॉपर का ही और सेम सोर्स, मतलब बैटरी क्या है 2 वोल्ट का सेम है, ये 10 वोल्ट, ये भी कितना 10 वोल्ट ही होगा, ये भी कॉपर का है, कॉपर कॉपर सेम है, मतलब मटेरियल क्या है सेम, तो मटेरियल सेम हो गया और कॉपर कॉपर सेम है, ठीक वायर बोल रहा है। और क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, और ये थिन वायर, ये क्या है थिन और ये ठीक वायर, ठीक मतलब क्या हुआ, ठीक मतलब हुआ मोटापा, उसके एरिया में कितना मोटापा है उसकी बात कर रहा है ये, तो ये ठीक है, ये थोड़ा थिनर है, राइट। ओके अच्छा, थिनर मतलब अगर मैं इसका एरिया मान लो, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं ए टू मान लू, तो इसका एरिया क्या होगा ए वन, ये थिकर है, तो चूंकि ए टू क्या होगा ए वन से ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है थिकर है, ठीक है क्या, तो इसका एरिया क्या होगा इससे ज्यादा होगा, ठीक है क्या। अब सोचो कि रेसिस्टेंस जो होता है प्यारे बच्चों, वो इनवर्सली एरिया का होता है, जिसका एरिया ज्यादा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, और जिसका रेसिस्टेंस कम, अब चूंकि V इक्वल टू आई आर, क्या बोला हूं, V इक्वल टू आई आर, तो V तो सेम है, ठीक है क्या। बोलता विल करंट फ्लो, मतलब I का वैल्यू बता रहा है, V कांस्टेंट है, V क्या है कांस्टेंट, ठीक है, V क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों में V क्या है सेम, इट कांस्टेंट आई आर, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, अरे वोल्टेज वी भी सेम है, दोनों में सेम सोर्स किया है, तो मुझे बताओ कि जिसका करंट, जिसका रेजिस्टेंस उसका करंट कम, सोचो जिसका एरिया है उसका रेजिस्टेंस कम, तो मुझे बताओ ए टू अगर ए वन से ज्यादा है तो रेजिस्टेंस आर टू क्या होगा, आर वन से कम आएगा, कम आए नहीं आएगा, ये सब कम आएगा। इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या,
R2 रेसिस्टेंस जो है इसका रेसिस्टेंस कम है, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। R2 रेसिस्टेंस कम है, R1 का ज्यादा है, इसका मतलब I जो होगा किसमें ज्यादा होगा, 2 में ज्यादा होगा I1 से। क्या प्यार, क्योंकि जिसका रेसिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा, जिसका रेसिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा। ठीक है, क्या उल्टा भी बोल सकते हो ना, है कि नहीं, उल्टा बोल सकते हो? बोल सकते हो, यस सर। जिसका रेसिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा, उल्टा भी होता है, जिसका ये ज्यादा उसका ये कम, उल्टा होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो आर कम तो आई ज्यादा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो I2 इसमें जो करंट आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा किससे, I1 से। तो क्या विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू थ्रू आई, यस। तो I2 का वैल्यू ज्यादा, मतलब ये आंसर कि विल करंट फ्लो मोर इजिली करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यस। आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, यस। व्हाई, तो व्हाई तो उसका रीजन ये है, व्हाई तो इसका रीजन ये है। ठीक है, ऐसा क्यों, उसका रीजन में लिखता हूं, देखो। थिकर वायर हैज लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया एज कंपेयर टू थिनर वायर, एज कंपेयर टू थिनर वायर, थिनर वायर का। ठीक है, थिनर वायर, ठीक है। एज कंपेयर टू थिनर वायर, ठीक है ना, ये लिख दिया। ठीक है, एंड एंड रेसिस्टेंस ऑफ थिकर वायर Resistance of thicker wire, इसीलिए that's why, इसीलिए ऐसा लिखो, that's why resistance of thicker wire is less than thinner wire, इसलिए current क्या होता है, easily flow करता है thicker wire। ठीक है, कि resistance कम होता है, इसलिए simple solution है। ठीक है, समय में आया प्यारे बच्चों, क्या बोला मैंने, यस सर समय में आ गया सर। क्या ऐसा ऐसा चीजें तुमसे हो जाएगा क्या हैंडल, यस सर मुझसे ये हैंडल हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन में करते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है मैं लिखूंगा नहीं, ये ध्यान। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन थ्री बोलता है कि लेट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेंस ए कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बोलता है कि लेट द रेसिस्टेंस, मतलब कोई एक कंपोनेंट है, कोई एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस गिवन है, मान लो रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। मैं लिख रहा हूं, मैं उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है, सिंपल सा बात है, या तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझ लो। ठीक है, तो इसका आंसर लिख दूंगा, ठीक है। तो बोलता है कि जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर का वो कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड डिक्रीजेस टू हाफ। तो बोलता है कि एक समय पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो सेम कंडक्टर को रेसिस्टेंस आर है, सेम कंडक्टर को मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दिया, क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दिया ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट, बोलता है इलेक्ट्रिक करंट में कितना चेंज आएगा। तो मुझे पता है कि रेसिस्टेंस आर यहां भी आर क्या है, कांस्टेंट है, तो मुझे पता है कि, बोलता है क्या करंट में कोई चेंज आएगा क्या, यस, तो करंट में चेंज आएगा ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये बोलता है कि व्हाट चेंज इन द करंट, बोलता है करंट में क्या चेंज आएगा। तो आंसर लिख रहा हूं मैं, देखो मुझे पता है वी इक्वल टू
आई आर, तो यहाँ पे वी, यहाँ आई वन है, आर है, ठीक है, तो आई वन का वैल्यू क्या आ गया वी बाय आर, तो यहाँ से आई वन, यहाँ से आई टू का वैल्यू बोलो प्यारे बच्चों, तो वी बाय टू बाय आर, वी बाय आर, ठीक है क्या, यहाँ वी बाय आर, वी कितना वी बाय टू। अच्छा ये बताओ दोनों को डिवाइड कर दो, तो देखो क्या आई वन अपॉन आई टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, तो वी बाय आर, आई वन कितना वी बाय आर, और ये आई टू वी बाय टू आर, आर आर कैंसिल, वी वी कैंसिल, तो टू, तो कितना करंट आ गया, तो करंट जो आ गया टू टाइम्स आ गया, करंट जो आ गया वो क्या हो गया, करंट जो आई टू में आ गया वो क्या हो गया, तो आई वन बाय टू, मतलब वोल्टेज अगर हाफ हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया, रेजिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट है तो करंट भी क्या आ गया, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू है ना आई टू वो भी क्या हो गया हाफ हो गया, मतलब आई वन बाय टू हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट इज हाफ, तो आंसर क्या आएगा इसमें, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया हाफ हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आंसर लिखना ठीक है क्या, ओके सर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में ये बोल रहा है, चलो ठीक है, दिस बोलता है, दिस इज द करंट गेट्स हाफ, करंट क्या हो गया हाफ हो गया, गेट्स हाफ, H A L V E D, हाफ, ठीक है, तो करंट हाफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है, देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है कि why are coil of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? तो देखो मैंने ये रीजन भी लिखा रखा है कि why, चलो मैं क्वेश्चन इसको लिखता हूँ, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर बोलता क्या है कि why are coils of electric toaster, मैं ये इसका आंसर लिखा रखा हूं टोस्टर TOA टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय, मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल, रेदर देन अ प्योर मेटल, क्यों बना होता है प्योर मेटल से नहीं बनता है बट वो एलॉय से बनता है क्वाइल, किसका टोस्टर और आयरन का, उसका क्या रीजन है, उसका रीजन ये है प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें लिखा रखा हूं, सिंस एलॉय है हायर रेजिस्टेंस, higher resistance and its melting point, और इसका जो melting point होता है is very high, और इसका जो melting point होता है is higher than pure metal, than pure metal, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए alloy use होता है than a राइट, तो ये इसका आंसर है ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या होता है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में एक डेटा दिया हुआ है, डेटा ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दिया हुआ है सभी सबस्टांस का 820 डिग्री सेल्सियस पे, सभी का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दिया गया है ठीक है क्या। अब क्वेश्चन नंबर फाइव में सभी का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी गिवेन है और डेटा गिवन है, तो डेटा मैं लिखूंगा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ूंगा क्या है और क्या डेटा का यूज इसमें है वो बताऊंगा मैं सिंपल ठीक है। तो डेटा गिवन है, एक तो कंडक्टर है, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी का वैल्यू गिवन है ठीक है, और एक एलॉय है, और एक क्या है इंसुलेटर है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसका है देखो तो डेटा में, तो इंसुलेटर का है ठीक है, जो डायमंड का है देखो, और सबसे कम जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर में वो किसका है, तो वो है सिल्वर का, किसका है सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टिविटी है किसमें, कंडक्टर के अंदर या मेटल के अंदर राइट। और एलॉय में देखो तो एलॉय में सबसे ज्यादा जो रेजिस्टिविटी है प्यारे बच्चों वो है निक्रोम वायर में, किसका है निक्रोम वायर में, तो सिंपल सा बात है। क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन फाइव में हम देखते हैं सिंपल सवाल ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में ये बोलता है कि विच एमोंग आयरन, क्वेश्चन फाइव में क्या बोलता है देखो, क्वेश्चन फाइव में, फाइव का ए में, विच एमोंग आयरन एंड मर्करी, विच एमोंग आयरन एंड
देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या, विच एमोंग आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर। तो बेटर कंडक्टर क्या होता है, तो बेटर कंडक्टर है लो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। तो डेटा के अनुसार जो रेसिस्टिविटी है आयरन का ये है और मर्करी का ये है। तो सिंस रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेसर देन द मर्करी, देयरफॉर आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मर्करी। सिंपल सा बात है, इसका आंसर है। और बी में क्या बोलता है, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। तो क्या आंसर आएगा कि मेटल विद लीस्ट रेसिस्टेंस, लीस्ट रेसिस्टिविटी इज द बेस्ट कंडक्टर। एग्जांपल में आयरन, आयरन का सबसे क्या लीस्ट लिस्ट क्या रेसिस्टिविटी है, तो वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा। ठीक है क्या बच्चों, अब ये इंटेस्ट एक्सरसाइज 3 हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में 4 होगा, राइट? ओके।